बीच भारत की खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान में रची जा रही एक बड़ी साजिश की खबर मिली। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर भारत में होने वाले G20 के कार्यक्रम है। भारत में हो रहे इन कार्यक्रमों को टारगेट बनाने के लिए ISI किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए कंगाल पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू कर दी। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कोशिश है कि वो किसी भी तरह G20 को कामयाब होने से रोक पाए। इसके लिए उसने नए सिरे से आतंकियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया है। G20 के कई कार्यक्रम भारत सरकार जम्मू कश्मीर में करवाने वाली है। हालांकि अब तक इन कार्यक्रमों की तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम मई में हो सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि इन कार्यक्रमों को कामयाब होने से किसी भी तरह से रोका जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है और ISI के बड़े अधिकारी खुद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बड़े प्लान को कामयाब बनाने की कोशिश में लग गए हैं। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में घुसपैठ करने की आतंकी संगठनों की कोशिश को भारत ने हर बार नाकाम किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सभी चीजों के बीच पाकिस्तान के हमले को लेकर के भारत पहले से ही तैयार हो गया है। भारत ने अपने सभी प्रकार के आर्मी विंग्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है और ये भी कहा गया है कि मौका मिलने पर इमरजेंसी जैसे सिचुएशन लगा करके तुरंत ऐसे लोगों पर हमला करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए जो हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।